हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो फ्रेंड, फाइनली आज के जो इस वीडियो के लिए माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड, काफ़ी लेट मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ जो वुमेन्स सुपर लीग का जो तीसरा मैच खेला जाएगा इसके लिए, क्यों फ्रेंड इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे वो चेक करने में कि प्लेइंग इलेवन क्या क्या बैठ सकते हैं परफेक्ट आज के लिए। तो इस चीज़ में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा सर्च कर रहा था फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी चीज़ देखने को भी मिली मुझे। तो बाकी फ्रेंड देख लेते हैं वीडियो में। अगर ऊपर की आपने हमारी कोई अगर वीडियो सारी नहीं देखी है तो फ्रेंड इनको देख लीजिए, इनको अपलोड हम कर चुके हैं। सुपर वुमेन सुपर लीग का पहला मैच डाल चुका हूँ, उसके बाद यहाँ पर TNPL का भी मैच यहाँ पर मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसके बाद नीदरलैंड वाला भी मैच यहाँ पर डाल चुका हूँ फ्रेंड, और सेकेंड वुमेन्स का भी मैच यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अब तक वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। बट आज जो एकमात्र मैच खेला जाएगा T20 ब्लास्ट का, इसकी भी वीडियो मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो कनाडा T20 के मैचेस खेले जाने वाले दोनों मैचेस इसके और ये जो दूसरा मैच खेला जाएगा दोनों की वीडियोज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ में जाके इनकी सारी वीडियो देख सकते हो। बाकी फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखना, आपको पता चलेगा हर एक प्लेयर के बारे में और पिच के बारे में सब कुछ पता चलेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा वीडियो देख के। अगर आप वीडियो पूरी देखते हो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह की टीम क्रिएट करनी है यहाँ पर और किस तरह की यहाँ पर विनिंग टीम हो सकती है। तो वीडियो सारी पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना। इस वीडियो को भी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप करे वीडियो को देखना। बाकी फ्रेंड एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसको इस मैच के लिए जो सेकंड मैच खेला जाएगा वुमेन्स का जो खेला जाएगा इसका काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अगर आप खेल लो तो फिर फ्रेंड ध्यान रखना, इस प्लेयर का बहुत बड़ी प्लेयर है, वो नहीं खेलिए मगर काफ़ी लोगों ने रखा होगा जहाँ तक मुझे ख्याल रखा होगा, अभी तो मैंने चेक नहीं किया बट उनको काफ़ी लोगों ने रखा होगा, जो प्लेयर ही ऐसी उनको कोई छोड़ नहीं सकता। तो चलिए बात कर लेते हैं टीम्स की। बाकी फ्रेंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका ही फायदा होने वाला है, आपको हमारी वीडियो जल्दी मिल जाएंगी यहाँ पे, सबसे पहले आपके पास आएंगी, तब आप अपने टीम को क्रिएट कर सकते हो सही से। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आती वीडियो को दोबारा देख सकते हो, दोबारा देख के अपनी टीम को बना सकते हो। फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी उसके बाद टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है, वहाँ पर आपको अपडेटेड टीम मिलती है हर मैच की, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। टीम मैंने बना के रखी है, बाकी अगर आपको लगता है कि अगर टीम परफेक्ट नहीं है, एक दो चेंजेस करना चाहते तो कर सकते हो। वो बड़ी न्यूज़ बताऊंगा फ्रेंड आपको वहाँ पर कि जो मैं बता रहा था कि आपको अधिकतर लोगों ने उसको रखा होगा, तो उस न्यूज़ के लिए देखते रहें वीडियो को पूरा। जो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास खेलने के लिए, दो सरा टेलर और एलिस हेली दोनों खेलने वाले, लेना चाहता ले सकते हो सरा टेलर को, बट मैं एलिस हेली के साथ ही जाऊँगा, काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर बॉलिंग बैट्समैन में यहाँ पर लिजिली को लिया हुआ है, रोड्रिगेज को लिया है, और तीसरी मेरी यहाँ पर जो रहने वाले वो हैं स्मिथ। यहाँ पर फ्रेंड आप ले सकते हो लोनर विनफील्ड खेलने वाली है, विनफील्ड को ले सकते हो। बाकी यहाँ पर जी डेविस खेल सकते हैं, बाकी यहाँ पर थोड़ा रिस्की रहने वाले हैं तो इसलिए प्लेइंग वोलिंग के टाइम पर अपडेट रहे। बाकी अगर और बात कर लें ऑलराउंडर की बात करते हैं फ्रेंड, मैं तीन जो मुझे बेस्ट ऑलराउंडर रखे हो मैंने रख लिए हैं। तो अगर फ्रेंड आपने अब तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और बाकी फ्रेंड अगर आप लोग प्लेयर स्पॉट में इंटरेस्टेड हो तो फ्रेंड नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छी ऐप है, मैंने खुद यूज़ करता हूँ मैं, काफ़ी अच्छी भी नहीं होता है, कॉम्पिटिशन कम है। ड्रीम इलेवन से थोड़ा हटके रहिए, ये मैं आपको हर बार कहता हूँ कि ड्रीम इलेवन से थोड़ा हटके खेलिए, ड्रीम इलेवन पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अरबपति खरबपति लोग आ चुके हैं जिनके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं है, और जो 5-7 हज़ार रुपये डेली इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए 5-7 हज़ार रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ ड्रीम इलेवन से थोड़ा हटके खेलिए, फ़ायदे मेरे को कुछ नहीं है, ड्रीम इलेवन जैसी है वैसी सारी ऐप अच्छी खासी है, जैसे बल्लेबाजी हो गई, प्लेयर स्पॉट हो गई, और फंटेसी पावर 11 हो गई, काफ़ी अच्छा है, वो भी विड्रॉल दे रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ड्रीम इलेवन ही जरूरी नहीं है कि, तो फ्रेंड इसे थोड़ा कॉम्पिटिशन से हटिए और कुछ नहीं। तो बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर में डेनमेंट निकर को लिया है, नटाली स्कैबर को लिया, और तीसरी जो मेरे यहाँ पे ऑलराउंडर रहने वो MWS रहने वाली है। बाकी यहाँ पे जो चांसेज हैं कैथरीन ब्रंट, फ्रेंड सबसे बड़ी न्यूज है कैथरीन ब्रंट ये नहीं खेलने वाली इंजरी की वजह से, ये बाहर हो चुकी है मैच इस मैच से, तो इस मैच में तो फिलहाल नहीं खेलने वाली। बाकी देख लेते हैं उनको कितने परसेंट लोगों ने यहाँ पर ले रखा होगा, ये देखिए फ्रेंड 77.82% लोगों ने इनको ले रखा, बाकी फ्रेंड ये नहीं खेलने वाली, पहली बता रहा हूँ आपको। अगर आपने ऐसी वेबसाइट पर लिया हुआ जहाँ टॉस के बाद चेंज नहीं कर सकते तो इनको हटा दो, ये नहीं खेलने वाली किसी भी हाल में, ठीक है फ्रेंड। तो बात कर लेते हैं बाकी ऑलराउंडर यहाँ पर कोई खास सेफ है नहीं, और स्पेशली स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए यहाँ पर कोई बेस्ट ऑप्शन है नहीं। और जो बॉलर्स में जो मुझे मेन बॉलर्स लगे वो मैंने रख लिया, बाकी अगर आप रखना चाहते हो तो एक दो चेंजेस करके आप अपने यहाँ पर रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मर्ज ने कैप को लिया, उसके बाद डेविडसन है, उसके बाद यहाँ पर एल स्मिथ को लिया है, और तीसरी जो मेरी चौथी जो मेरी बॉलर हैं वो जॉर्ज हैं,
वाई जॉर्ज, ये इनके खेलने के चांसेस थोड़ा हाई लग रहे हैं, तो इसलिए भी मैंने इनको रखा हुआ। बाकी अगर हमारा कोई प्लेयर मिस होता है तो हम उसको प्लेइंग लाइन आने के बाद हम उस प्लेयर को चेंज कर देंगे। तो अभी इस टीम को कंफर्म ना समझे, ये आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि भाई इस तरह की टीम आपको क्रिएट करनी है। बाकी बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, उससे पहले फ्रेंड आपसे कहना चाहूँगा तो मैं एक ही बात कहता हूँ हमेशा कि वीडियो को पूरा देखना, बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड, क्योंकि आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए इतनी वीडियोज़ बनाया था। आज भी फ्रेंड देखा होगा आपने कितनी सारी वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं, वो इसलिए क्योंकि लास्ट दिन अब जो पिछले जो 3-4 दिन हुए उनमें काफ़ी अच्छे लाइक्स मिले, काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी खुद अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने में। तो ये रही, ये प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना, बाकी वीडियो को पूरा देखना। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, कैप्टन यहाँ पे मेरी एलिसा हेली रहने वाली है और वाइस कैप्टन मेरी यहाँ पे लिजली को रखने वाले। बाकी यहाँ से आप बना सकते हो डायरेक्ट स्कैबर को बना सकते हो, बट फ्रेंड जो मुझे लग रही है हेड टू हेड स्मॉल लीग में अधिकतर यही लोग इन्हीं को बनाने वाले हैं। अगर आप भी बनाना चाहते हो उनको बना सकते हो, बाकी और कोई खास ऑप्शन है नहीं यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन हेड टू हेड स्मॉल लीग में। बाकी जैसा आपको लगता है आप वैसा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये रहेगी मेरी हेड टू हेड 3 मेंबर लीग की टीम। बाकी अगर आप बनाना चाहते हो डैनवन निक्कर को भी यहाँ पे बना सकते हो, ये बट ये ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं, ग्रैंड लीग में काफ़ी अच्छी साबित आपके लिए हो सकती हैं। जैसे मर्जन कैप हो गई या फिर लिंसे स्मिथ हो गए फ्रेंड, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, विकेट्स ले जा सकते हैं इजीली, यहाँ पे 4 से 5 विकेट ले जा सकते हैं हर कोई बॉलर, ये जो 3-4 बॉलर से काफ़ी अच्छी वो हैं इनके, तो ये इमेज काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा रहता है, ये ले जा सकते हैं विकेट। तो ग्रैंड लीग में आपको यही ऐसे कुछ अलग करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जिससे आपकी टीम सबसे हटके हो और अच्छा खासा विन आप कर सको। बाकी फ्रेंड खाली एक कैप्टन वाइस कैप्टन सीरीज, तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपको ऊपर ले जाने वाले होते हैं, टॉप पर लाने होते हैं, बट जो विनिंग के जो होते हैं वो आपको इधर उधर के प्लेयर ही जिताते हैं। जैसे एमडी प्लेयर्स हो गए साइड से, जॉर्ज हो गए, इनको जिनको बहुत कम लोग लेने लगे, एक दो विकेट भी लेंगे तो आपके रैंक को काफ़ी हाई कर देंगे, तो ऐसे प्लेयर्स को रखना। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन जो मैंने आपको बता दिया ग्रैंड लीग के लिए वो चॉइस काफ़ी अच्छा, और हेड टू हेड 3 मेंबर के लिए इन दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना। बाकी फ्रेंड इनसे हट के जाने तो नुकसानदायक ही रहेगा इस मैच में, क्योंकि फ्रेंड इन दोनों के अलावा कोई बेस्ट यहाँ पे है नहीं हेड टू हेड के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो, क्योंकि पैसा आपका सब कुछ आपका है, हमारा सजेशन है खाली, हमारी वीडियो जो हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आप वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, प्लीज़ पूरा देखना, तभी आपको हर उसके बारे में समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड ये थी मेरी टीम जो वुमेन सुपर लीग का जो तीसरा मैच खेला जाएगा फाइनल मैच, इसकी टीम मैं यहाँ पर दे चुका हूँ फ्रेंड। अब मेरा काम हो चुका खत्म, मैं सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, बाकी वीडियोस को आपको पूरी देखनी है और लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्पेशली वो लोग जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप ही का फायदा होने वाला है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ आपसे आपको यही फायदा होने वाला है कि आपको अपडेटेड टीम्स वहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी फ्रेंड मैं आज जो इन्वेस्ट करूँगा यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा रहेगा जो वुमेंस का पहला मैच खेला जाएगा इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट एक इसमें ज़्यादा रहने वाला है, और दूसरा मेरा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो यहाँ पर जो जो यहाँ पे इंग्लिश 20+ का खेला जाएगा, इन दोनों मैचों में मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा, बाकी में थोड़ा नॉर्मल रहेगा। तो इन दोनों में अगर आप लोग लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, और मैं थोड़ा बहुत मिस हो जाए बट इन दोनों में मिस नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। तो ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक आज के दिन के लिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अपने कल और देखते हैं आज के मैचेस की हमारे टीम्स कैसी परफॉर्म करती हैं और क्या होता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। ओके, गुड बाय।